निताई के बारे में बातचीत करते हुए पद्मावती देवी कभी कभी निताई को भी साथ में लाती थी, कभी कभी अपनी सखियों के साथ वो आके यहाँ स्नान करती हैं, यहाँ अनेक निताई कथाएं करती हैं लीला, क्योंकि पद्मावती निताई के सिवा कुछ बोल ही नहीं पाती थी, केवल उनका निताई ही सब कुछ थे। तो इसलिए ये जो पेड़ है सामने आपको दिख रहे हैं, ये पेड़ पद्मावती माता के पार्षद है जो पेड़ बन गए हैं पद्म, ये कुंड की सारी लीलाओं को देखने के लिए। हाँ, ताल वृक्ष हैं सब, जैसे पांडव तला में अभी भी कदम्ब के वृक्ष हैं, पांच पांडव अभी भी एक चक्र में विराजमान है पांडव तला में, वैसे एक चक्र में भी कोई वृक्ष साधारण नहीं है, सब ऋषि मुनियों का। जैसे पीलू का पेड़ है राधा कुंड में मानस पावन घाट में, वैसे ये पेड़ है आप देख सकते हैं। सॉरी इंग्लिश नोबडी ट्रांसलेटेड। वी आर टॉकिंग अमंग ईच अदर बट नॉट ट्रांसलेटिंग। खड़े रह गए, स्टार्ट करो। व्हाट हैव आई सेड, टेल हिम। गुरु मुख पद्म वाक्य फॉर स्लीपिंग। नो यू डिजर्व इट, यू गेट वेरी नाइस कीर्तन। क्राइंग कीर्तन, क्राइंग कीर्तन, क्राइंग कीर्तन। Yeah, what is the Padma? This you see the kunda is the face of Nitai. Exactly. This is the forehead and this is the chin. Exactly the face of Nitai. Going narrow, our face becomes narrow in the bottom. So here also it's becoming narrow. The kunda is becoming. So because Padmavati was always Nitai conscious, always thinking about Nitai, talking about Nitai. So when she took bath, automatically the kunda got the love of Nitai through her, and the kunda became start forming like Nitai. And this was made by her father Mukunda Bandopadhyay, and Padmavati used to bring Nitai sometimes. Sometimes she takes bath even in the evening time. She comes here to take a bath because all the six seasons are present in Ek Chakra. So it is never hot, cold, nothing. It is everything is always perfect. All the six seasons are present in Ek Chakra. So Padmavati comes here with Nitai, and because Nitai was a baby, that's why the kunda is not very deep. Haribo. That is the reason. Not because of all of you. Not because you want to swim here. इसमें जल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि पद्मावती की भक्ति, अगर नीताई अपने माँ का कुंड नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या करें। बीच में गए। एंड एज यू नो इन विदग्ध माधव देयर इज अ स्टोरी वेयर इन न्यू वृंदावन इन द बैंक ऑफ द ओशन देयर वाज अ न्यू वृंदावन क्रिएटेड because Krishna was remembering Vrindavan, so all the queens in Dwarka became very afraid, so they don't want Krishna to go back to Vrindavan, so they created a new Vrindavan in the beach in Dwarka, and they put statues of Nanda, Yashoda and everything, and they told Krishna, this is Vrindavan, no need to go anywhere, this is Vrindavan. But you know, all everything was statue, so queens were thinking how they can stop Krishna, but they thought Rohini is original Rohini, no need to make statue, because Rohini
always in Gokul, Vrindavan and Dwarka. Same. Haribol. So Rohini came personally and she consoled Krishna. And because of that, Rohini has seen all the leelas. Rohini ne sab leelaye dekhi hui hai. और जब द्वारका में कृष्ण को वृंदावन जाना था तो एक नव वृंदावन बनाया बीच के बाजू में और रोहिणी माता साक्षात वहां खड़ी रह गई और कृष्ण को शांत कर रही। तो कृष्ण को लगा कि मैं वृंदावन में आ गया, रोहिणी माता भी सामने है, यशोदा मैया का स्टैच्यू रख दिया। तो रोहिणी माता जहां सब लीला का दर्शन किया ए टू जेड, जो सुभद्रा ने भी नहीं किया, देवकी ने भी नहीं किया, यशोदा ने भी नहीं किया, राधा रानी ने भी नहीं किया, ये सारी लीलाओं का दर्शन रोहिणी माता ने किया, रोहिणी मैया ने किया। और वही रोहिणी मैया पद्मावती बनी। तो सोचिए उनका प्रेम कितना होगा निताई के प्रति, समस्त लीलाओं को देख के वो पद्मावती बनी है, सारी लीलाओं का दर्शन करके वो पद्मावती के रूप में आई कलयुग में, उनका कितना प्रेम रहेगा निताई के प्रति, कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। आफ्टर सीइंग ऑल द पास्ट टाइम्स aggregate of all the bhavs, the moods, the emotions, ultimately essence, the Rohini became Padmavati, the essence. She got Nitai as her son, the golden lord, golden doll of Nitai. Magic dolls. So Prabhupada. Magic doll. तो पानी ले लीजिए, पद्मावती माता के समान ही है ये ग्रीन कलर। पद्मावती माता की साड़ी भी ग्रीन कलर की है, कुंड भी ग्रीन कलर का है। हरि बोल। ग्रीन सिग्नल फॉर गोलोका, बाय टचिंग द वाटर। देखो पद्मावती माता की कृपा लेने के लिए कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं, दूर दूर, पूरे संसार में पद्मावती माता की न तो मूर्ति देखने को मिलेगी, न तो आपको कोई मंदिर मिलेगा, न तो कोई कोई स्थान नहीं मिलेगा, ये पद्मावती माता का एकमात्र कुंड है। अरे वो This is the only place of Padmavati in the whole creation. Rohini and Padma. जिस स्थान पर भगवान बैठते हैं स्थान अमूल्य है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, अमूल्य अनमोल, अमूल्य तो है ही लेकिन जिस स्थान पर भगवान बैठते हैं उस स्थान में पूरी सृष्टि बैठ जाती है, पूरी अनंत ब्रह्मांड का संचालन करते हैं वो बैठ के, उसके साथ साथ अपने सखाओं के ऊपर कृपा दृष्टि प्रेम की दृष्टि करते हैं, उसके साथ साथ अपनी माता और पिता भी आते हैं, उनके साथ भी प्रेम लीलाएं करते हैं। तो इस सिद्ध बकुल में से ऐसा प्रकाश निकलता है कि वो पूरे त्रिभुवन में व्याप्त हो जाता है। हरि वो निताई चांद की जा। आप कहेंगे मैं तो घर में अच्छे सोफा में बैठता हूँ, मेरा अच्छा अच्छा जगह है, लेकिन निताई का जगह ऐसा टूटा फूटा क्यों है? क्योंकि आजकल मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी ये सब आ गया है, अच्छी अच्छी सोफा सेट कम बेड, क्या सोफा कम बेड क्या क्या मिल रहे हैं, लेकिन हम गोलोक धाम में जाएंगे ना तो ग्वाले बनेंगे, गोपियां बनेंगे, ये सब मोबाइल फोन काम में नहीं आएंगे, वहां कोई सिग्नल नहीं है।
वहां सिंपल जीवन है और नित्यानंद प्रभु जहां बैठते हैं उस स्थान का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। निताई ने क्या किया कि ये पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो ये पेड़ जो वृक्ष है उसकी पहले एक एक शाखा थी तो निताई को चढ़ने के लिए आसान करने के लिए दो शाखा हो गई। अरे वो उसकी दो शाखाएं हो गई और जब निताई का चरण स्पर्श हुआ इस वृक्ष के ऊपर तो अपने आप ये वृक्ष की जो डालियां हैं वो अनंत नाग की तरह व्याप्त हो गई। हरिओ अनंत शेष। निताई नीचे बैठते तो ऐसा लगता है कि अनंत शेष साक्षात उनको छाया दे रहा है। देखिए छत्र एकदम खुला हुआ है चारों डायरेक्शन से। जब निताई का जन्म हुआ तो माँ की नाड़ी होती है पेट में, वो उनकी माँ की नाड़ी जो निकली निताई का महाप्रसाद वो माता की नाड़ी को यहाँ समाधि दिया गया है। अरे वो इसका सारे नाड़ी पोता तो इसमें निताई का वास है, नाड़ी पोता इसीलिए सिद्ध बकुल है। सिद्ध बकुल की। और जब निताई को कृष्ण बन के कालिया को मारने के लिए इस सरोवर में छलांग लगानी थी तो ये वृक्ष की डाली भी आगे चली गई। देखिए तो निताई इस पे चढ़ के यहाँ तक जाते थे, उस टाइम में सरोवर थोड़ा बड़ा था पर निताई छलांग लगाते थे। अरे वो स्विमिंग पूल में डाइविंग बोर्ड होता है कि नहीं? मैंने तो देखा नहीं। डाइव मारते नेचुरल डाइविंग बोर्ड नेचुरल। ये वृक्ष निताई की सेवा करता है निताई के लिए और निताई इधर बैठ जाते हैं इस आसन पर बैठ जाते हैं और सारे सखा लोग वहां से बोलते हैं कौन निताई को पहले टच करेगा, दौड़ते कौन निताई को पहले टच करेगा। वहां से सारे सखा निताई मुस्कुराते रहते हैं और सखा यहां आके जैसे ही निताई को टच करते निताई अदृश्य हो जाते और वहां प्रकट हो जाते हैं। फिर सारे सखा वहां दौड़ते क्या अलौकिक लीला है। साकम विजहरु कृतपुंज पुंजा, भागवत में श्लोक है कि मायावादी और निर्विशेषवादी और योगी ये सब भगवान की को समझ भी सकते हैं लेकिन भगवान के सखाओं की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। साकम विजहरु क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि भगवान उनके अंतरंग मित्र हो गए। भगवान का दास बनना तो अच्छा है, दास बनेंगे तो हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन हम जब सखा बनते हैं तो प्रेम का आदान प्रदान होता है। इसलिए सख्य रस है वो दास के रस से मिलता है और ये सिद्ध बकुल सख्य रस का धाम है। बोलो सिद्ध बकुल धाम की, राड़ी पोता की। सखा हो या सखी हो कोई भी भाव में हो लेकिन भगवान के दास तो दास्य रस है तो फाउंडेशन है, सब रसों का फाउंडेशन है भगवान के दास बनना है। तो सब सखा लोग भी भगवान की सेवा करते हैं, कोई भगवान को पंखा देता है यहाँ, कोई भगवान के चरण की सेवा करता है नीचे बैठ के और नित्यानंद प्रभु अपने आनंद में मस्त है, अपने भैया को याद करते हैं और यहाँ विराजमान है, मुस्कुराते रहते हैं। गोधूली के समय में जब रिटर्न आते हैं तो भी यहाँ बैठते हैं, जाते हैं तो भी यहाँ बैठते हैं क्योंकि जब अपने घर से थोड़ा सा चलते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं ना तो यहाँ बैठ जाते हैं,
फिर यहाँ से आगे जाते हैं कन्हई कुंड में, आगे कन्हई कुंड है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ कन्हई कुंड है, बहुत सुंदर कुंड है। अभी तो रात हो गई है, अगली बार आप जब ज्यादा समय लेके आएंगे, निताई को भी थोड़ा टाइम देंगे, तब मैं दिखाऊंगा। जानू कुंड इधर है, कन्हई कुंड इधर है। तो जानू कुंड में कोटी कोटी तीर्थ निताई ने बुलाया अपने माता पिता के लिए और अपने सखाओं के लिए, वो है नहाने के लिए। और इस साइड में और जाके आप घूम के जाएंगे तो कुमुद कुंड है, जिसमें कमलों के साथ खेलते थे भगवान। तो ये सब लीला स्थली है, हम नहीं दिखा सकते आपको, ये सब लीला स्थली निताई ने खुद दिखाई थी नरोत्तम दास ठाकुर को, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में। जब नरोत्तम दास ठाकुर आए तो निताई वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, बोलते नरोत्तम नरोत्तम तुझे मैं परिक्रमा ले जाता हूँ। कितने दयालु है निताई, देखिए खुद के धाम की परिक्रमा खुद कराते। ऐसे दयालु भगवान कोई मिलेंगे आपको? जब वो अपनी लीला में चले गए थे तो भी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और बोल रहे यहाँ निताई ने स्नान किया, यहाँ निताई ने बैठा, यहाँ निताई खड़े हो गए, यहाँ निताई ने सखाओं से बात किया, यहाँ निताई ने छलांग लगाया, यहाँ निताई ने सखाओं की सेवा किया। तो नरोत्तम कहते हैं आपको ये सब कैसे पता है, हर एक स्थान पे हर एक 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 स्टेप में जाते हैं और बताते हैं निताई ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। नरोत्तम बोले आप हो कौन? आपका असली रूप दिखाओ, नहीं तो मैं एक चक्र से जाऊंगा ही नहीं, मेरा देह यहां ही छोड़ दूंगा। तो फिर वृद्ध ब्राह्मण अदृश्य हो गए और नरोत्तम बहुत रोने लगे। क्रंदन में फिर भगवान हरधर बलराम प्रकट हुए। अरे ओ बलराम का दर्शन इजीली करना है ना तो ब्रज में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ब्रज में बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, यहाँ तो रास्ते रास्ते में बलराम है, गली गली में निताई, कदम कदम में, इतना औदार्य में, महा औदार्य में धाम है। एक एक स्टेप में आपको भगवान आपके पीछा करेंगे, बल्कि मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं भी आप विश्वास नहीं करेंगे, करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिस पे आपके उस पे विश्वास किया, इस पे नहीं करेंगे ऐसा कैसा। हाँ, मतलब आपके विश्वास के लिमिट आ चुकी है। नहीं ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है। आपने वायुलेखन जैसे महान साधना को स्वीकार किया, जो इतनी गुप्त साधना है मेरे कहने पर आज आपने रोमांच देख लिया ना। अरे वो तो अभी मैं वहां पद्मावती कुंड में चल रहा था तो एक कुत्ता आया मेरे आगे। हाँ, कुत्ता ने जैसे ही मैंने कुत्ते की ओर देखा तो दोनों की आंख के आंख मिली और कुछ अद्भुत अनुभूति हुई। मैं आगे नहीं बता सकता कौन थे वो, लेकिन हम सब भक्त लोग हैं। ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपकी आपका बॉस है, आपकी इच्छा है, बस सीक्रेट बताते नहीं पर आपकी डिमांड भी तो देखते हैं हम, आपके दास हैं। पर एक चीज मैंने देखी कि वो तुरंत मुझे अनुभूति हुई, जैसे निताई बहुत गुस्सा हो गए थे ना गौरंग महाप्रभु के ऊपर संन्यास दंडा लेने के कारण, निताई ने दंडा को तोड़ दिया था, तो वो कुत्ते ने भी मेरे दंडे की ओर देखा, ने दंडा थोड़ा पीछे कर लिया। थोड़ा नाराज होके चले गए, लेकिन फिर मैंने देखा जैसे ही अद्वैत ने दयाल ठाकुर निताई ऐसा बोलना चालू किया, वो कुत्ता वहीं रुक गया पूरे कान ऊपर करके। एक चक्र धाम में यहाँ किस रूप में आपको निताई मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है। अरे यहाँ निताई की वहाँ ये है किस रूप में कोई गारंटी नहीं है,
क्योंकि नीताई एक चक्र वो कभी नहीं छोड़ते हैं, इसका प्रमाण नरोत्तम दास ठाकुर है। नरोत्तम दास ठाकुर, आप कौन से धाम में जाएंगे साक्षात भगवान आपको आते हैं, आपके गेट पे मीट करते हैं, कोई धाम है ऐसा? एक चक्र ही है, हमें तो लात मार के भगा देते हैं गुरुदेव और धामों में। क्या बहुत पाप कर लिए निकलो। हाँ दीदा, धाम वास है वो एक रेजर की तरह है, ब्लेड। वो ब्लेड जितनी धारी है उतना जल्दी शेविंग हो सकता है और उतना जल्दी खून निकल सकता है। वैसे धाम वास करके अपराध करेंगे तो जैनिता है, लेकिन एक चक्र ऐसी ब्लेड है जिसमें धार भी है और खून भी नहीं निकलता। अरे हो, और कौन सा एग्जांपल दूं, कुछ याद नहीं था इसलिए ये बता दिया। इससे बहुत प्रेम भी जल्दी मिलता है और कोई अपराध नहीं है यहाँ। धाम भंजन धाम,